नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूँ संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी के जदयू श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव राजीव कुमार उर्फ राजू जी हैं, जो कि काफ़ी हिलसा में चर्चित हैं। आइए इनसे जानेंगे कई सवाल। सबसे पहले कि थाना परिसर में शांति समिति का बैठक हुआ, क्या हुआ, क्या फैसले लिए गए? नमस्कार संतोष जी, सबसे पहले मीडिया बंधुओं को एवं सभी बिहार वासियों को धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं कि श्रावणी मेला एवं आगामी रक्षाबंधन का भी आ रहा है और मुहर्रम का भी पर्व आ रहा है। वो सभी है जो कि आपस में शांति बनाए रखें, दोनों भाई मिल करके, दोनों समुदाय का लोग आपस में भाईचारा बना करके रखें, तो जाके कहीं पर ही किसी का परेशानियां ना हो। आपका जो जदयू का प्रखंड अध्यक्ष हैं कुंदन जी, लगातार बैठे कर रहे हैं पंचायतों में, आप भी साथ घूम रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देशानुसार हम लोग है जो कि अपनी पार्टी की मजबूती को लेकर के अपने प्रखंड में, हर पंचायत में कुंदन जी घूम रहे हैं और हिलसा प्रखंड में मैं भी घूम रहा हूँ, क्योंकि मैं भी यहीं का वासी हूँ, हिलसा प्रखंड का ही हूँ। कुछ दिन पहले है जो कि योगीपुर पंचायत से शुरू हुआ है, फिर है जो कि आज भी रेणी पंचायत में गए हैं, असाढ़ी पंचायत में गए हैं, सभी जगह पार्टी मजबूती के लिए कार्यकारिणी का भी है जो कि काम हो रहा है और पार्टी मजबूती के लिए भी बात चल रहा है। आगामी 2024 में लोकसभा का चुनाव है या 25 में भी विधानसभा का चुनाव है, क्या उसकी तैयारियां भी चल रही है? ये नेसेसरी है कि हम लोग तैयारी तो कर रहे हैं 24 का, 24 में भाजपा भगाओ और हम लोग का नारा है, चाहे जैसे हो भाजपा को हर तबका से रपेट देना है, भाजपा भगाओ जेजू लाओ, यही हम लोग का नारा। और भी बैठकें जो हो रही है, खास कर किन मुद्दाओं पर बैठक होती है और क्या बताया जाता है लोग? बैठक का मूल हम लोग का एजेंडा है बिहार सरकार का जितने भी कार्य हुआ है ग्रामीण जनता के बीच लाना है, और भाजपा लोग है जो कि हम लोग का कार्य किए हुए है जो कि योजना है, सात नीचे है, कई एक ऐसा योजना है जिसको भाजपा लोग झूठ पर झूठ बोल करके और वो अपना योजना बता रहा है। हम लोग सभी जनता को अवगत कराना है कि नल जल का योजना, सात निश्चय का योजना हमारा मुख्यमंत्री जी का है, ये नहीं कहे जो कि भाजपा का है, केंद्र सरकार का है, ये बिहार सरकार का योजना था।